हे गाइस, वेलकम बैक टू वी माइंड्स। ओके गाइस, आज की इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करेंगे, रिव्यू मैं आपको दूंगा सबसे बेस्ट ब्लूटूथ हेडसेट की, बेसिकली नेक बैंड ब्लूटूथ हेडसेट। ये है मेरे पास बोट रॉकर्स 235 वर्जन 2 फास्ट चार्जिंग ब्लूटूथ हेडसेट। इसकी करते सबसे पहले क्विक अनबॉक्सिंग एंड इन डिटेल रिव्यू मिल जाएगा, तो पूरा देखना वीडियो। सबसे पहले अनबॉक्सिंग देख लेते हैं, बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहले देखने मिलेगा फ्लिपकार्ट का बॉक्स, फ्लिपकार्ट से मैंने इसे परचेस किया है। इसको कट करते हैं एंड गाइस उसके अंदर एक और बॉक्स एंड मेन बॉक्स है गाइस, एक बिल देखने मिल जाएगा आपको ऊपर। सो गाइस, बॉक्स के टॉप पे आपको देखने मिल जाएगा बोट की ब्रांडिंग, एस इन दी गेम लिखा हुआ है बॉक्स पे सबसे फ्रंट में। नीचे लिखा हुआ है रॉकर्स 235 वर्जन 2, 235 वर्जन 1 था, एंड पीछे कुछ हाईलाइटेड फीचर्स लिखे हुए हैं जैसे कि मैग्नेटिक एयर टिप्स, हैंड्स फ्री कम्युनिकेशंस, IPX5 स्वेट एंड वाटर रेसिस्टेंस, अप टू 8 आवर्स ऑफ प्लेबैक टाइम, कॉल वाइब्रेशन अलर्ट, 10 nm डायनेमिक ड्राइवर, फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी अकॉर्डिंग टू 1000 rupees, 20 मिनट इसे चार्ज करो और 4 घंटे का प्लेबैक टाइम, और बोट का बेसिकली ब्लूटूथ हेडसेट मिल रहा है आपको, ये बड़ी बात है 1000 rupees के अंदर। गाइस बॉक्स के अंदर देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या है, एंड गाइस फाइनली हेडफोन की तरफ जाएंगे। सबसे पहले बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। सबसे पहली बात, अनबॉक्सिंग ही उल्टा हो गया है, तो एक लाइक तो बनता है ऐसी अनबॉक्सिंग के लिए। सो गाइस बहुत सारे कंटेंट देखने मिल जाएंगे आपको। सबसे पहले देखने मिलेगा एक माइक्रो यूएसबी केबल आपके हेडसेट को चार्ज करने के लिए, कुछ एयर टिप्स देखने मिलेंगे आपके कानों के हिसाब से बड़े छोटे, एंड गाइस ये एडवर्टाइजिंग पेपर इसे कह सकते हो आप। इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज है जो बोट को यूज करते हैं और बोट को प्रमोट करते हैं, कुछ इस तरीके के क्रिकेटर्स भी है। एंड गाइस 1 साल की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी कार्ड भी देखने मिल जाएगा आपको बोट का। अगर आपके हेडसेट में कोई डिफेक्ट है या कुछ कंटेंट आपको नहीं मिला तो डेफिनेटली आप क्लेम कर सकते हो 1 साल के अंदर, 1 साल की वारंटी देखने मिल जाएगी। एंड गाइस फाइनली एक यूजर मैनुअल देखने मिल जाएगा जो कि कुछ इस तरीके का है, सारी बातें लिखी गई है इसे कैसे यूज करना है हेडसेट को, इसे रीड कर सकते हो। इसको रखते हैं साइड में, एंड मेन चीज फाइनली बोट रॉकर्स 235 वर्जन 2 हेडफोन की तरफ ध्यान देते हैं, नेक बैंड ब्लूटूथ हेडसेट की तरफ। एंड गाइस कुछ इस तरीके से देखने मिल जाएगा आपको बॉक्स के अंदर। गाइस आपको 3 कलर में मिल जाएगा ये, ब्लैक, ब्लू एंड रेड, जो मेरे पास है वो है रेड। एंड गाइस बोट की ब्रांडिंग काफी ज्यादा अच्छी लग रही है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें आप फर्स्ट इंप्रेशन में ही काफी ज्यादा ड्यूरेबल लग रहा है। इसके लेफ्ट साइड में आपको देखने मिल जाएगा वॉल्यूम अप, वॉल्यूम डाउन एंड मल्टी फंक्शनल की मिडल में, जिससे आप इसी हेडसेट को पावर ऑन और ऑफ कर पाओगे। साइड में आपको देखने मिल जाएगा एक माइक्रो यूएसबी पोर्ट इसी हेडसेट को चार्ज करने के लिए, राइट साइड में बोट की ब्रांडिंग। एंड गाइस ये कुछ इस तरीके से छोटे से प्यारे से बोट के ब्रांडिंग के साथ, एयर विंग्स के साथ मैग्नेटिक एयर टिप्स देखने मिल जाएंगे आपको। एंड गाइस बोट की ब्रांडिंग के साथ ये बहुत प्यारे लगते हैं, और गाइस बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी है, नेक बैंड है इसीलिए काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी लग रहा है। एंड गाइस आप अपने गर्दन के हिसाब से इसे छोटे बड़े भी कर सकते हैं। वायर की क्वालिटी उतनी खास नहीं है, बट अकॉर्डिंग टू प्राइस काफी अच्छा बोट का हेडसेट है ये। सो गाइस चलो फटाफट इसे मैं कनेक्ट करता हूँ मेरे डिवाइस के साथ। बोट की ब्रांडिंग काफी ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है। एंड गाइस बोट के इसी ब्लूटूथ हेडसेट में आपको देखने मिल जाएगा ब्लूटूथ वर्जन 5.0, जो कि काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। तो गाइस आपको इसे पेयर करने के लिए, कनेक्ट करने के लिए पावर बटन जो मल्टी फंक्शनल की है उसे प्रेस एंड होल्ड करना है, आपके डिवाइस में आपके स्मार्टफोन में ब्लूटूथ ऑन करना है, एंड सिंपली एक आएगा बोट रॉकर्स 235 वर्जन 2, उसे आपको कनेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। बहुत ही ईजी है इसे कनेक्ट करना, आप 2 डिवाइस में भी कनेक्ट कर सकते हो इसी ब्लूटूथ हेडसेट को। गाइस मैंने पर्सनली बहुत सारे हेडफोन यूज़ किए हैं, ब्लूटूथ हेडफोन यूज़ किए हैं, ईयरफोन्स यूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल सैमसंग का लेवल यू, MI हेडफोन, JBL एंडोरेंस रन, पीट्रोन, बेसबर्ड्स, बहुत सारे ईयरफोन यूज़ किए हैं, कुछ इस तरीके से आप वेयर कर सकते हो, और एयर विंग्स की वजह से आपके कानों से गिरेगी भी नहीं, तो देख सकते हो कुछ इस तरीके से। एंड गाइस यहाँ पे मैं एक सॉन्ग प्ले कर रहा हूँ, और इसके बेस की बात करूँ तो बेस इतना भी ज़्यादा नहीं है कि आपको बाहर का आवाज़ सुनाई ना दे, लेकिन बेस इसमें काफ़ी अच्छा है अकॉर्डिंग टू प्राइस। इसी ब्लूटूथ हेडसेट में आपको देखने मिल जाएगा 10 nm का डायनेमिक ड्राइवर, जो कि काफ़ी अच्छा साउंड प्रोवाइड करता है, साउंड क्वालिटी काफ़ी डिसेंट है, एंड म्यूज़िक लवर के लिए बेसिकली बहुत ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। 1000 rupees के अंदर ये हेडफोन आप डेफिनेटली ले सकते हो, लेकिन गेमिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा। गाइस यहाँ पे मैं एक कॉल भी कर लेता हूँ, देखते हैं कॉल क्वालिटी कैसा है, नॉइस कैंसिलेशन देखने मिलता है या नहीं। फाइनली गाइस कॉलिंग के टाइम किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, नॉइस कैंसिलेशन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। एंड गाइस फर्स्ट इंप्रेशन में ये बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल लग रहा है, फ्लेक्सिबल है, नेक बैंड है इसलिए। एंड गाइस इसे आप रात को गाना सुनते सुनते सो भी जाओगे तो इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा ड्यूरेबल लग रहा है। एंड गाइस इसके अगर साउंड क्वालिटी की बात करूँ तो एक डिसेंट साउंड क्वालिटी आपको देखने मिल जाएगा, एक म्यूज़िक लवर के लिए
अंडर 1000 रुपीज बहुत बेस्ट हेडफोन हो सकता है ये। एंड गाइस गेमिंग के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, और जहां तक मेरा गेमिंग एक्सपीरियंस रहा है इस हेडफोन के साथ, पबजी मैंने ट्राई किया, नॉर्मल गेमिंग करते हो तो ठीक है, किसी भी तरह का साउंड डिले नहीं है, बट गाइस आप हार्डकोर गेमर हो तो डेफिनेटली ये हेडफोन गेमिंग के लिए नहीं है। आप म्यूजिक लवर हो तो डेफिनेटली 1000 के अंदर अकॉर्डिंग टू प्राइस काफी अच्छा फीचर से फंक्शन से आप इसे ले सकते हो, एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है म्यूजिक लवर के लिए। सो गाइस डेफिनेटली इसे आप परचेस कर सकते हो। एंड गाइस एक जरूरी बात और, आपको ये वीडियो कैसा लगा, वीडियो आपने यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, एक लाइक तो बनता है। कमेंट करके बताओ अनबॉक्सिंग कैसा लगा है, रिव्यू कैसा लगा, सारे होनेस्ट रिव्यू थे तो डेफिनेटली कमेंट कर देना। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को दबा देना इसी कंटेंट के लिए। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।